بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد

दलाल का जिक्र किया है जो क़यामत के वाक्य होने पर दलालत करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि क़यामत आएगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए क़यामत का ले आना कोई मुश्किल काम नहीं है मरने के बाद दोबारा इंसानों का जिंदा कर देना अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है अब इस इस रुकू में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस क़यामत की तफसील बैन फरमाई है वो जो एक मुजमल मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ईमान एक मुजमल ईमान होता है कि आदमी ईमान रखी क़यामत आएगी और एक होता है उसकी तफसील कि क़यामत आएगी और इस इस तरह से आएगी जब किसी चीज़ के बारे में आदमी को हजमालन कोई बात मालूम होती है तो उसका यकीन उतना ज्यादा नहीं होता है जितना यकीन उसका उसकी तफसील मालूम होने के बाद होता है एक होता है कि बंदे को ये मालूम क्यामत आएगी और एक होता है कि बंदे को उसकी तफसीत मालूम हो तो वो तफसीत दिल में ज़्यादा खौफ ज्यादा खशियत ज़्यादा डर पैदा कर देने वाली आदमी को सिर्फ ये मालूम क्यामत आएगी तो भी उसके दिल में मोमिन बंदा होगा तो उसके दिल में डर होगा उसके लिए तैयारी करेगा जब उसको ये बताया जाए क्यामत आएगी इस तरह से आएगी उसमें यह हाल होगा मोमिन का ये हाल होगा मुनाफिकीन का ये हाल होगा कुफ्फार का तो जब उसकी तफसीलात उसके सामने बताई जाती है उसको बताया जाता है कि क्या आएगी तो मोमिन से अल्लाह इस तरह का मामला करेगा उनके ऊपर इस इस तरह के एहसान किए जाएंगे और काफिलों को इस तरह का जवाब दिया जाएगा इस तरह की तकलीफों में दो चार किए जाएंगे तो जब तफसलत आती है तो बंदे का ईमान ज्यादा हो जाता है उसका यकीन ज्यादा हो जाता है तो कुरान हमसे सिर्फ ये नहीं चाहता कि हम जबान से करार कर लें हाँ क्या आएगी बल्कि हमसे अल्लाह रबीन यह चाहता है कि हम डरें क़्यामत से हम उसके लिए तैयारी करें कि क्यामत आने वाली है हमको अपने अमाल का हिसाब किताब देना है अल्लाह रबीन की बारगाह में तो उस जवाबदही के डर से उस जवाबदही की तैयारी हम करें यह अल्लाह रबी मोमिन की पहचान क्या कि मोमिन डरते हैं अल्लाह रबीन के वलिन मुशफिकून मोमिन वो हैं जो अपने रब के अजाब से डरते हैं उनको उम्मीद होती है कि उनको अपने रब से मिलना है उनको यकीन होता है कि उनको अपने रब के सामने हाजिर होकर के अपने अमाल का हिसाब किताब देना है तो वो अपने रब से डरते हैं तो अल्लाह रबालमीन ने इस सूरत के अंदर तफसील बैन फरमाई है एक मंजर कशी की गई है क्यामत आएगी तो कैसे आएगी उसमें ममिनिन का, का क्या होगा मुनाफिकी का क्या होगा काफीन का क्या होगा अल्लाह रबालमीन ने वो तफसील इस के अंदर बैन फरमाई है तो अल्लाह ने पहले तो मौत के बारे में बैन फरमाया कि जब तुमको मौत आती है तभी हक के पर्दे तुम्हारे लिए उठना शुरू हो जाते हैं हक थोड़ा सा अल्लाह हक के पर्दे खोल देता है कल तक जो चीजें तुम्हारे लिए गैब में थी अब वो मौत के आने के साथ साथ तुम्हारे लिए शहादत बन जाती है तुम उनको देखते हो उनको महसूस करते हो तो यहां से आदमी की छोटी क्यामत तो उसी वक्त आ जाती है जिस जिस वक्त उसकी मौत होती है कहा जाता है मत क्यामत जो मर गया उसकी क्यामत तो शुरू हो गई जो उसको उसको मोहलत मिली थी हिसाब किताब आमाल के लिए वो खत्म हो, हो गई अब उसकी हिसाब किताब वाली जिंदगी शुरू हो गई अब अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर बड़ी क्यामत का जिक्र कर रहा है अहम बड़ी क्यामत का जिक्र कर रहा है वह फनो फिफिस सुर और फूका जाएगा सूर के अंदर जालिका यौमुल वईद और यही है वो वईद का दिन यही है वो वादे का दिन जिसका वादा किया गया था जिसकी वईद दिलाई गई थी काफिरों को डराया गया था जिससे वो दिन अब आ गया जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसके लिए पैदा किया था इंसानों को जिसकी जिस जिसके लिए इंसान को ये जिंदगी दी गई थी जिसकी तैयारी के लिए जिस दिन के लिए अब वो दिन आ गया जालिक यौमुल वईद यही है वो दिन अच्छा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नफिखा सूर का फूक दिया गया सूर के अंदर जब किसी मुस्तकबिल के काम को माजी के कैसे किसा बयान किया जाता है फ्यूचर के काम को बयान किया जाता है कि ऐसा हुआ तो उसमें यकीन पैदा हो जाता है नफिका सूर

और हर इंसान आज आद, हजरत आदम से लेकर के इस कायनात का पैदा होने वाला हर इंसान वो खड़ा हो गया अपनी कब्रों से बाहर निकल गया और अल्लाह की तरफ से दो फरिश्ते उसके ऊपर मुतहिर कर दिए गए नफ्स हर नफस आएगी माँ साइकों व शहीद उसके पास एक तो शाइक होगा जो उसको हाक करके जानम तक जो हाक करके अल्लाह रबूम तक लेके जाएगा एक साइक होगा जो उसको हाक करके अल्लाह रबूम तक लेकर के जाएगा और दूसरा होगा शहीद गवाह जिसके हाथ में नाम अमाल होगा बंदे का ये हर आदमी के ऊपर ये दो फरिश्ते मुतन कर दिए जाएंगे मुमकिन है ये वही दो फरिश्ते हो जिनका जिक्र पिछली आयतों में आया कि दो गंदे पर बैठे हुए फरिश्ते हैं जो नाम अमाल लिखते हैं हिसाब किताब लिखते हैं बहराज वजात कुल्लु नफसिन अल्लाह आलमीन ने फरमाया कयामत आई सूर फुक दिया गया अब हर आदमी जिंदा हो गया आदम से लेकर के आखिरी पैदा होने वाला इस कायनात का आदमी वो जिंदा हो गया और उसके साथ दो फरिश्ते मुतन कर दिए गए एक फरिश्ते का काम है कि वो शाइक हाँकने वाला है उसको ले जाकर के हशर के मैदान तक अल्लाह अला आलमीन के दरबार तक पहुंचाने वाला है साइक अरबी में ड्राइवर को कहते हैं और दूसरा शहीद एक वो जिसके हाथ में सारा नाम है, अमाल है। आपकी जिंदगी का सारा कच्चा छिट्टा उसके अंदर लिख के रखा हुआ है जितना आपने कहा जो आपने किया वो सब लिखा हुआ है लकत कुंता फी गाफ नकल महदीद यही वो दिन है यही वो दिन है जिसके बारे में तुम गफलत में पड़े हुए थे तुमको ये, ये काफिर के अला फरमा है काफिर को अल्लाह फरमाएगा लकत कुमिन ये वो दिन है जिसके बारे में तुम गफलत में पड़े हुए थे हमारे अम्बिया तुमको डराने के लिए आए हमारे मुसलमानों ने तुमको डराया ईमान रखने वालों ने तुमको डराया लेकिन तुमने कहा वो मानु मब उस हमको तो वापस मरने के बाद दोबारा पैदा नहीं होना है क्या मरने के बाद हम मिट्टी हो जाएंगे तो हमको दोबारा जिंदा किया जाएगा

जैसा चाहो जिंदगी गुजारो कोई तुमसे नहीं करने वाला कोई तुमसे जवाब नहीं पूछने वाला ये नियमतें तुम्हारे लिए बस ऐसी मुहैया कर दी गई है ज्यादा तुम्हारे पास जिंदगी का तस्वुर नहीं था तुमने सोचा था कि ये जिंदगी बस खाने पीने के लिए ऐश करने के लिए दी गई और तुमने वही किया पूरी जिंदगी तुमने तुमने क्या किया तुमने पूरी जिंदगी खाने पीने और ऐश करने में बिता दी अल्लादी कफर व या कुल न कम अन आम जिन लोगों ने कुफ्र किया वो तो बस बस ऐश चाहते जिंदगी का बस ऐश करे जिंदगी में वो या कुल और वैसे खाते हैं जैसे जानवर लोग खाते हैं जानवरों की तरह खाते हैं जिस तरह जानवर की जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता है कोई मतलब नहीं होता है उसकी जिंदगी की शुरुआत से लेकर तक बस पेट कमील कल इंतहमिल औ अलहस कुत्ते की तरह जिंदगी काफिर की होती है जिस तरह कुत्ता होता है ना उसको उसको सिवाय अपने पेट के और कुछ नहीं दिखाई देता आप उस पर कुछ लाद दोगे तो भी हापेगा नहीं लादोगे तो भी आपेगा वो बस खाने की तलाश में होता है जबान निकालता है हाफता खाने की तलाश में रहता है उसको आप फेंक करके भी मारोगे पत्थर तो भी जाकर के सोचेगा कि रोटी है उसको भी सूंगेगा काफिर की जिंदगी ऐसी कुत्तों की जिंदगी होती है उनके पास दिल है लेकिन वो सोचते नहीं आंखें पर देखते नहीं कान है पर अल्लाह की आयात सुनने से माजूर है कल अनाम बलह अदल वो जानवरों की तरह है बल्कि जानवरों से भी बदतर है अल्लाह ने फरमाया यही वो दिन था तुम इसमें गफलत में पड़े हुए थे तुमने सोचा था तो हमको मरने के बाद दोबारा पैदा नहीं होना है बस हम ऐसे ही हमारी जिंदगी है हम यही ये जमाना है यही हमको मारता जिलाता है और हमको फिर दोबारा पैदा नहीं होना है गफलत में पड़े हुए थे लेकिन अब ये गफलत के पर्दे चाक हो गए अब सब कुछ दिखाई दे रहा है कशफ नाइन का गताक तुम्हारे चेहरों के पर्दे को हमने खोल दिया तुम्हारी आंख पर जो पर्दा पड़ा हुआ था जिससे तुम गैब को नहीं देख सकते थे अब वो पर्दा गैब के हटा दिए गए पर्दे गैब के तुम्हारी आंखों पे जो ढक्कन लगे हुए थे वो खोल दिए गए कशफ नायन का गीता अब तुम फबस महदीद आज तुम्हारी आंख बहुत तेज है अब तुमको हर चीज दिखाई दे रही है जिस जन्नत का इनकार कर रहे थे वो जिस जहन्नम का इनकार कर रहे थे वो और वो रब का दरबार लगा हुआ है तुम कह रहे थे फरिश्ते क्यों नहीं नाजिल होते देखो फरिश्ते भी नाजिल हो गए अब आ गए फरिश्ते अब तुम फरिश्तों को भी देख रहे हो शैतान देख रहे हो जिन्नात देख रहे हो इस क्यामत को बरपा हुआ देख रहे हो अब सब चीजें तुमको दिखाई दे रही है वह बस आरु कल्यू महदीन आज तुम्हारी आंख बहुत तेज है अब तुमको सब कुछ दिखाई दे रहा है अब तुम ईमान लाओ नहीं लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं लाने की तो कोई वजह ही नहीं है अब तो तुम सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हो और ले आओ मान लो तस्लीम कर लो तो तुम्हारा तस्लीम कर ला तुम्हारा ईमान ले आना कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा ईमान उस वक्त तक फायदा पहुंचाता है जब तक गैब गैब में रहे वो गैब में है और तुम उसको मान लो जब वो हाजिर हो गया उसको मान लो तो तुमने कोई कोई बहुत बड़ी बात नहीं की वो जो देख रहे हो उसको मान लो उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात आजमाइश तो असल में यह है कि तुमने जो नहीं देखा उसको मानो आ, वो बात अभी इन आगे आएगी तो हाजा अब तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश किए जा रहे हो और तुम्हारे साथ वो शैतान भी है जो तुम्हारे ऊपर मुतयन किया गया था हर इंसान के साथ जिस तरह फरिश्ते होते हैं ना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हर इंसान इज़ियत अनिल यमीन व अनिल शिमाल कईद दो अखस करने वाले बैठे हुए एक आदमी के दाए कंधे पर एक बाएं कंधे पर और वो जो भी माफिदिन जो भी आदमी जबान से बात निकालता है मगर एक हाजिर बाश के बाद परिंदा वो फरिश्ता वो सब कुछ लिख ले रहा है ऐसे ही हर इंसान के साथ शैतान भी वयीन किए गए हैं अब वो शैतान वो आ रहा है तुम्हारे अल्लाह अल्लाह तुम्हारे साथ में है वो शैतान वो शैतान जिक्रहमानी नहुशैतान लहू करीन जो अल्लाह रबी के जिक्र से राज करेगा उस पर शैतान मुतय कर देते हैं वो शैतान उसका दोस्त बन जाता है उसका करीन बन जाता है उसके बुरे अमाल को मुजयन करके उसको पेश करता है उसको बुरे रास्ते पर लगाया रहता है उसको हिदायत हासिल करने से रोके रहता है हर इंसान के साथ अल्लाह के नबीम ने फरमाया हर इंसान के साथ एक शैतान लगा हुआ होता है जो उसको बहकाता है अल्लाह रबीन के रास्ते से दूर करने की कोशिश करता है जिस तरह फरिश्ते होते हैं उसी तरह शैतान भी लगा होता है हर इंसान के साथ तो अल्लाह अल्ला के रसूल ने फरमाया मिन इल्ला बखद वो बिही भी मिनल न हर इंसान के साथ एक एक जिन एक शैतान लगा दिया गया है जो उसका करीन रहता है हमेशा उसके साथ रहता है उसको बहकाने की कोशिश करता है सबक राम लगने भी से पूछा वह या, या रसूल अल्लाह अल्लाह के रसूल क्या आपके साथ भी शैतान होता है आपके साथ भी जिन होता है अल्लाह रसूल ने फरमाया वह या, या हाँ मेरे साथ भी होता है वाला किन आ, व, लेकिन क्या हुआ इन अल्लाह अल्लाह ने मेरी मदद की उसके ऊपर तो उसने मुझ, मुझ पर असलमा वो मुझ पर ईमान ले आया है फला बिखीर तो वो मुझको सिर्फ अच्छी बात का हुक्म देता है हर इंसान के साथ शैतान लगाए जो उसको अल्लाह रबी के रास्ते से बहकाता है अब जब इंसान अल्लाह रबी की बारगाह में पेश किया जा रहा है काफिर अल्लाह की बारगाह में पेश किया जा रहा है उसका शैतान फ़ौरन आ गया उसने कहा हाजामा लदई आतीद ये ये मैं इसके सुपुर्द किया गया था ये मेरे सुपुर्द किया गया था अब अल्लाह तेरी बारगाह में पेश इसको मैंने बहकाया है और ये ये है जिसके ऊपर मैं जिसको मैं गुमराह करने पर लगा हुआ था बाद कि यहाँ करीन से मुराद फरिश्ते हैं वो फरिश्ते जो उनको जो उसको अल्लाह रबालमिन की बारगाह में ला करके पेश करेगा हाँकने वाला फरिश्ता लेकिन ज्यादा कराइन के एतबार से ज्यादा बात यही सही लगती है कि यहाँ करीन से मुराद वो शैतान है हा जामा लदय आती थी शैतान कहेगा यही था वो इंसान जिसके ऊपर मैं मुतयन था जिसको मैं अल्लाह रबूम के रास्ते से बहकाता था अलफी जहन्नामा अल्लाह देगा उन फरिश्तों को जो फरिश्ते लेकर क्या हैं कहेगा इनाद रखने वाले काफिर को अल्लाह रबीन के रास्ते से भेगने वाले काफिर को इन इन, इन फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा किन काफिरों को मन्ना खैर वो काफिर जो खैर से रुकने वाला था भलाई से रुकने वाला था वो खुद भी भलाई का काम नहीं करता था और दूसरों को भी नहीं करने देता था खैर का एक मतलब इस कुरान मजीद के अंदर आया है भलाई तो यहाँ इसका मतलब यह होगा मन्ना खैर का मतलब लोग खुद भी भलाई नहीं करता था और कोशिश करता था कि दूसरे भी भलाई ना कर पाए एक मतलब ये और खैर का एक मतलब माल भी आया है तो मन्ना खैर का मतलब होगा कि माल रोकने वाला था जो हुकूक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके माल में तय किए थे वो उन हुकूक का अदा करने वाला नहीं था अल्लाह रबीन कुरान मजीद में बार बार एक बात फरमाता है अनफिकुम इमार नाकुम उसमें से खर्च करो जो हमने तुमको दिया है या मिम्मा याकुम हमने तुमको दिया है हमने आ, हमने तुमको दिया उसमें से खर्च करो तो ये माल जो हमको मिलता है ये हमारा कमाया है वो नहीं अल्लाह बार बार कहता है हमने तुमको दिया इस हम पर आप जोर दें हमने तुमको दिया अल्लाह ने दिया है हमको तो अल्लाह ने जो माल दिया था इसको ये माल अल्लाह रबुलामी ने इसमें कुछ हुकूक रखे थे उन हुकूक का अदा करने वाला नहीं काफी इसलिए इसको जहन्नम में डाल दो मुर्तदीन ये सरकशी करने वाला है बगावत करने वाला है हैदूद को तोड़ने वाला है इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको पैदा करने के बाद उसकी जिंदगी का हद बना एक दायरा बना दिया है एक शरीय का दायरा है हलाल और हराम का दायरा है अल्लाह रबालमी ने तय कर दिया है इस दायरे के अंदर रहकर करके जिंदगी गुजारना है ये काफिर इस दायरे से बाहर जाने वाला था अल्लाह रब्बुल आलमीन के हदूद को पामाल करने वाला था अल्लाह रब्बुल आलमीन के खिलाफ सरकशी करने वाला था मोहतदीन मुरीब शक में पड़ा हुआ था शक में पड़ा था उसको यकीन नहीं था कि रसूल है नहीं है अल्लाह है नहीं है शक है हाँ हो सकता है हो सकता है ना हो मे बी और मे बी रसूल अल्लाह हो सकता है अल्लाह रसूल किसी को भेजता हो नहीं भेजता हो कयामत हो सकता है हो सकता ना है किताब हाँ हो सकता है नाजर के हो सकता नहीं शक में पड़ा हुआ था अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ शक काबिल कबूल नहीं आपको आप हमको अस्सी परसेंट यकीन है बीस परसेंट शक है नहीं काबिल कबूल नहीं वो चीज हाँ हो सकता है कयामत आए बिल्कुल कयामत आएगी लेकिन बीस परसेंट इम्कने शायद ना आए ये ईमान ये शक अल्लाह की बारगाह अल्ला में कबूल नहीं है ये रैब अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है अल्लाह से हंड्रेड परसेंट जाता है क्यामत आएगी क्यों आएगी क्योंकि हमारे रब ने कहा आएगी आप अल्लाह के रसूल मोहम्मद अल्लाह के रसूल है कुरान अल्लाह की किताब तो ये काफिर शक में पड़ा हुआ था इसको ये सिर्फ इनकार करने वाला नहीं था बल्कि शक में पड़ा हुआ था तो इसको जहन में डाल दो आखर जिसने अल्लाह के साथ दूसरों को अपना महबूत बना करके रखा सबसे बड़ा गुना सबसे अजीम गुना सबसे बड़ा जुल्म और ये शख्स मुस्तैक है कि वो झानना में डाला जाए जामा पैदा अल्लाह ने किया खिला अल्लाह रहा है पिला अल्लाह रहा है अल्लाह की दीवी ऑक्सीजन में सांस ले रहा है अल्लाह की जमीन पर चल रहा है अल्लाह पानी बरसा रहा है तो पी रहा है अल्लाह ना बात उगा रहा है तो खा रहा है एक एक लम्हे और एक एक सांस के लिए अल्लाह का मोहताज है और सजदी किसी और की बार कामें करता है शुक्राने किसी और के बजाता है दे अल्लाह रहा है मांगता किसी और से अतः अल्लाह कर रहा है फरियाद किसी और किसे कर रहा है तो ये ये मुस्तैक इसको जानम में डाला जाए ये शिर इतना बड़ा गुना है कि आसमान जमीन फट पड़े अगर अल्लाह रबुल आलमीन की मोहलत ना हो तो ये आसमान जमीन फट पड़े तक नामीन आसमान फट पड़े इस गुना पर तो इसको जहन्नम में डालो ये अल्लाह रबुल आलमीन के खिलाफ बगावत करने वाला था इसने अल्लाह को छोड़कर के दूसरों को अपना माबूद बना करके रखा काफी को जान में जो कफ़ार है अल्लाह रबीन की ना शुक्री करने वाला है बगावत करने वाला है अच्छाई से रुकने वाला है माल नहीं देने वाला है सरकशी करने वाला है शक में पड़ा हुआ है और सबसे बड़ा गुना ये तो कि इसने अल्लाह को छोड़ करके दूसरों का अपना करके रखा है ये दूसरों के सामने सर झुकाता है दूसरों के लिए रुक उदा करता है दूसरों से फरियादे दुआएं करता है डालने का हुआ तो फौरन जो शैतान जो पूरी जिंदगी इंसान को बहकाता रहा उसको उसको उस, अपनी तलबिस के जरिए से उसको फितने में मुबला करता रहा वो फौरन अपना हाथ खींच लेगा माद गई तू मेरे रब मैंने इसको गुमराह नहीं किया ये तो गुमराह होना चाहता तो गुमराह हो गया मैंने इसको गुमराह नहीं किया वील ये तो खुद गुली भी गुमराह में था मैंने को इसको गुमराह नहीं किया तूने तो खुद कहा था इन्ना इबादी सुल्तान मेरे बंदों पर तेरा कोई जोर चलने वाला नहीं तो ऐसा तो नहीं था कि सिराते मुस्तकीम पर चल रहा था मैंने जबरदस्ती इसको जहन्नम के रास्ते पर डाल दिया अल्लाह मुझको जहन्नम में मत डालिए खुद गुमराह था ये खुद गुमराह हुआ है मैंने इसको गुमराह नहीं किया बना मत गई तो वला नफी दलाली भाई ये खुद खुली भी गुमराही में पड़ा हुआ था ये तो जहम के रास्ते पर चलना ही चाहता था ये तो अपने ख्वाहिशात की पैरवी करना चाहता था ये तो चाहता था कि रसूल के रास्ते पर ना चले मैंने तो बस इसको इसको कुछ शुभात दिए हैं और इसको बस बहकाया है और कुछ नहीं ये खुद ये अगर चाहता कि वो रसूल के रास्ते पर चले तो मेरा इस पर कोई जोर नहीं चलता ये अगर तुझ पर ईमान लाना चाहता तो मेरी कोई ताकत नहीं थी कि मैं उसको ईमान से रुक पाता मैंने तो सिर्फ इसके लिए शुभात बिछाए थे मैंने तो सिर्फ इसके लिए जाल बिछाए थे ये तो अपनी खुशी खुशी उन जालों में फंसता हुआ चला गया

वाले का और क्या अंजाम होगा बहकने वाले का अब हमारे पास झगड़ा मत करो तुमको तुमको पैगाम पहुंचा दिया गया तुमको अल्लाह रबीन ने वही और वादे पहुंचा दिए तुम्हारे लिए अब तुमने जब इस्लाह का मौका था तो इस्लाह नहीं की अब यहाँ पर आकर के लड़ाई झगड़ा मत करो मादी वो माबी अबीद हमारे यहाँ बात बदली नहीं जाती कानून बदला नहीं जाता जो कानून तय वो तय वो मैं आना भी जल्लामिलीद और मैं बंदों पर जुल्म करने वाला बहुत ज्यादा करने वाला नहीं जल्लाम का दर्ज मसल में होता है बहुत ज्यादा करने वाला तो ऐसा नहीं कि अल्लाह थोड़ा करने वाला है जल्लाम ये मुबालगा का सेगा इस्तेमाल किया गया भाई अबीद मैं अपने बंदों पर बहुत ज्यादा जल्लाम नहीं बहुत ज्यादा ऐसे वाला नहीं जल्लाम क्यों का रबी ने क्योंकि अल्लाह रब है अल्लाह अगर म करेगा तो वह बहुत बड़ा नौजबिल्ला वो जो है अगर रब की तरफ से अगर झे तो वह म बहुत बड़ा झाएगा अल्लाह फरमा रहा है कि मैं मैं अपने बंदों पर बहुत ज्यादा जुल्म करने वाला हूँ यानी मैं अगर जुल्म करूंगा तो ये मैं बहुत बड़ा ालूंगा मैंने अपने बंदों को पैदा किया मैं उस जुल्म नहीं करने वाला तो हमारे यहाँ कानून नहीं बदलने वाला हमने एक कानून बना दिया था एक पहले तुमको बता दिया गया था कि मोमिन के लिए अल्लाह रबुलआलमीन ने क्या अंजाम रखा है मुनाफिकीन के लिए क्या अंजाम रखा है मुशर्किन के लिए क्या अंजाम रखा है काफीन के लिए क्या अंजाम रखा है बहकने वालों के लिए का क्या अंजाम होगा बहकाने वालों का क्या अंजाम होगा हमने तो तुमको बता दिया था अब अगर तुमने नहीं माना तो अब यहां पर कानून नहीं तब्दील होने वाला इस उम्मीद में मत रहो कि अल्लाह रबीन कानून तब्दील कर देगा रहमत की उम्मीद आदमी को किससे करना चाहिए जिसकी वो इतात करता है उस उससे क्या रहमत की उम्मीद करें जिसको उसने नाफरमानी की है जिसकी तुमने इतात नहीं की है उससे रहमत की उम्मीद मत करो हाँ तुम किसी तुम रब की इतात करने वाले तो तो अल्लाह रबुलाइम तुम पर रहम करता तुमसे थोड़े बहुत गुनाह होते तो माफ कर देता पूरी जिंदगी तुमने सरकशी में गुजारी है अल्लाह की नाफरमानी गुजारी है तो तुम इसलिए बात ने कहा कि ये जन्नत जो है वो उम्मीद और खौफ दोनों के दरमियान में आदमी को सिर्फ उम्मीद में रहे मत, उम्मीद मतलब तमन्ना मेरे आदमी बस अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देगा ये सही नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन बेशक माफ करने वाला है लेकिन वो अजाब देने वाला भी अल्लाह के यहाँ कोई फैसला तब्दील नहीं होगा मोहम्मा अन अबीजी बंदों पर जुल्म नहीं होगा जो फैसला तय कर दिया गया जो कानून बना दिया गया था जो बात बता दी गई थी वही सब कुछ होने वाला है अल्लाह सब कुछ करने पर कादिर है लेकिन वो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अपने वादे के खिलाफ नहीं करता है ला मा अना मैं अपने बंदों जुल्म करने वाला नहीं हूं। जहन्नम तलाती हल मजीद। जी दिन हम से कहेंगे तलाती क्या तू भर गई? हल मजीद। वो कहेगी क्या और भी कुछ है क्या और भी कुछ है जहन्नम को भरेगा इंसानों से जीनों से शैतानों से डालती जाएगा अल्लाह पूछेगा हलीम अल्लाहती भरी कि नहीं भरी तो वो इतने गैज में होगी इतने गुस्से में होगी काफी नाराजगी होगी और डालो मेरे अंदर गुस्सा होगा उसको काफिरों हो पर फरमाया तक वो ऐसा लगेगा कि गुस्से से फट पड़ेगी समय शही कहूँ ये तफुर अल्लाह के साथ शिर करने वालों पर उसको इतना शदीद गजब होगा इतना शदीद गुस्सा होगा कि जैसे चिघाड़ रही होगी जैसे गधे चिघाड़ते हैं ना वैसे चिघाड़ रही होगी ये अल्लाह रबुलमिन ये अल्लाह रबीन बात करेगा अल्लाह रब्लम वो अपनी जिस मखलूक से चाहे बात करे हम हमको घर अल्लाह की मखलूक की जबान समझ में नहीं आती पर वो तो अल्लाह की मखलूक है अल्लाह अपनी मखलूक से जैसे चाहे बात करे ज्ञानम बात करेगी चींखेगी चिंघाड़ेगी अल्लाह रब्आलमिन कहेगा कि तु भर गई वो कह में मस्जिद क्या और और दू और और काफिरों को लाओ में पिसू और जलाऊं अपने अंदर यहां तक कि हदीस में आता है सही मुस्लिम की रिवायत में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर अपना पैर डाल देगा तो वो कहेगी बस हो गया अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी इज्जत की कसम तेरी कसम अब हो गया बस तो ये जहन्नम हलीम तलाती बाज बाजूल ने भी बयान किया इस इसका एक मफुम की जहन्नम कहेगी क्या और भी है अल्लाह तो की हम जहनम को भर देंगे जिन्ना जिन्हों से भी इंसानों से भी सबसे भर देंगे इतना भर जाएगी कि वो ताजुब करेगी कितने लोग हैं और कितने लोग हैं बाजुल भी बयान किया तो यो मन जहन तलाती वो मजीद। वो क्या और भी कुछ लोग हैं वो जन्नतुलत और जन्नत मुतकीय से करीब कर दी जाएगी जहनम जहन्नम जहनम का क्या मामला होगा जहनम में घसीट करके बेड़ियों में बांध करके घसीट करके डाल दिया जाएगा नजीरा ला रबी ने फरमाया कि सत्तर गज की जंजीर में इनको झगड़ो और इसको घसीट करके ले जाकर के काफिर को जहन्नम में डाल दो ये काफिर का अंजाम होगा एक फौज आएगी एक पूरी जमात आएगी उनको बेड़ियों में बांध करके घसीट कर ले जाकर के जहन्नम में डाल दिया जाएगा और मुत्तिन का क्या मामला होगा मुत्तिनबीन की बारगाह में पेश होगा दाहिने हाथ में उसका नाम आया माल दिया जाएगा खुश कुर्रम बोलेगा लोगों को हाउमुक्रो किताबिया जिसको उसका नाम अमाल दायन आदमी मिल जाएगा हाउ उमुरो देखो मेरा नाम अमाल देखो मुझको जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया हाउ उमु किताबिया इन्नी जनन तो अन्य मुलाकिन नन्नत well, ऐसे ही नहीं मिल गई मुझको मालूम था कि मुझको अपने रब के सामने जाना है अपने अमाल का हिसाब किताब देना है इन्नी जनंत मुलाक़िन नाजिया बस उसके बाद तो उसकी जिंदगी की खुशहाली शुरू वो खुशहाली वाली जिंदगी शुरू जिसका कोई इख्तिताम नहीं होने वाला अब जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया हाथ में अब जनाब आपको चल करके नहीं जाना है जन्नत तक के मसाफतों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन वहाँ समेट देगा और आप जन्नत तक नहीं जाइए जन्नत आप तक के जन्नतुल जन्नत जन्नत करीब कर दी जाएगी उस करीब कर दी जाएगी इसी से जुल्फा बनाए जन्नतुलत जन्नत करीब कर दी दिया वगैरह वैसे भी उनके लिए, उनके लिए, उनके लिए बहुत ज्यादा दूर नहीं होगी हा जाम ये है वो जन्नत जिनका तुमसे जिसका तुमसे वादा किया गया था हा जाम ये वो जन्नत है बस है आप हाथ अब दाखिल हो जाए इसके अंदर खुलुहा खुलुत हाजाम ये जन्नत है जिसका तुमसे वादा किया गया है लिकुल्ली अवा बिन हफीज ये हर उस हर उस बंदे के लिए है जो अल्लाह आलमीन की तरफ रागिब होने वाला है तोबा करने वाला है गुनाहों पर रोने वाला है हिफाजत करने वाला है उन हदूद की हिफाजत करने वाला है जो अल्लाह ने उसके लिए उसकी जिंदगी में तय किए थे उन उनद की हिफाजत करने वाला है मन जो रहमान से तौर पर डरता रहा यह उसकी सबसे बड़ी खासियत ये उसकी सबसे बड़ी खसूसियत ये, ये मुतकीन का की सबसे बड़ी पहचान जालिकल किताब मुतकीन इस किताब में कोई शक नहीं है ये कि अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई है ये मुत्तियों के लिए हिदायत है

जन्न, जन्नत में दाखिल हो जाइए सलामती के साथ दाखिल हो जाइए आपके दरवाजे खुले हुए रोजेदारों का दरवाजा जिहाद करने वालों का दरवाजा नमाज पढ़ने वालों का दरवाजा दरवाजे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खोल रखे दरवाजेमी ना ऐसे कि जिनको सब दरवाजों से पुकारा जा रहा है जिससे चाहो उससे दाखिल हो जाओ उत खुलआ भी सलाम सलाम करते हुए दाखिल हो जाओ सलामती के साथ दाखिल हो जाओ वहां पहुंचोगे वहां पे भी सलाम इलल हत्ता इजा जाऊहा

वो आने से पहले उसके इस्तेबाल में दरवाजे खुले हुए हैं कालीन बिछी हुई है आप दरवाजे खड़े के लिए दरवाजे से बाहर खड़े के लिए पहले से दरवाजे खुले हुए हैं दाखिल हो जाइए वहां पे सलाम करेंगे सलाम तिब तुम खुशहाली से रहो फत खुल खालिदीन हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ जाली क्योम खलूद ये हमेशा हमेशा रहने का दिन है लहू मा व यहा मजीद उनके पास उनके लिए हर वो चीजों की जन्नत के अंदर जो वो चाहेंगे उनकी ने, उसकी नेमतों का तुम अंदाजा नहीं लगा सकते बस ये सोच लो कि वो आइडियल जिंदगी होगी तुम्हारी जिंदगी की तुम्हारी पसंदीदा जिंदगी होगी वहां तुम्हारे लिए कोई लघु चीज कोई तकलीफदा चीज़ नहीं होगी हर चीज जिसकी तुम ख्वाहिश करोगे तुमको मिलेगा तुम्हारी ख्वाहिशों की इंतहा हो जाएगी वहां की अल्लाह की अता की इंतहा नहीं होगी लिलीन अहसनसना व्यादा जिन लोगों ने अच्छा काम किया उनके लिए अच्छाइयाँ अच्छाइयों से भी ज्यादा है बहुत सारी चीजें वलदीन मजीद हमने तो और कुछ बहुत कुछ तैयार करके रखा है लहू मा यशाऊ ना फीहा वलदीन मजीद जो चाहोगे सब मिलेगा और उसके अलावा भी अल्लाह रब्बुल ने बहुत कुछ ऐसा रख रखा है जिसके तुम जिस जहां तुम्हारी चाहत भी नहीं पहुंच सकती जहां तुम्हारी मतलब तुम तुम्हारे सबूर से बाहर एक जन्नत वो तुमको मिलेगी किन लोगों के लिए उन लोगों के लिए जिन्होंने इस दुनिया को अपने इस दुनिया में अपने आप को तैयार किया उस आखरत के लिए उस क़्यामत के दिन के लिए उस जन्नत के लिए उसके मुताबिक अमल किए आलमीन हम सबको उन लोगों में से बनाए जिनके लिए मौत जिनके लिए क़यामत बशारत का खुशहाली का खुशहाली का पैगाम लेकर के आए अल आलमीन हम सबको उन लोगों में से ना बनाए और उन लोगों से महफूज रखे जिनके लिए मौत भी तकलीफ का पैगाम होगा मौत भी रंज का पैगाम लेकर के आएगी मौत भी मसाइब का पैगाम लेकर के आएगी और क्यामत भी उनके लिए मसाइब से भरी हुई हो होगी और उनको फिर जहनम में हमेशा हमेशा मुसीबतों की जहनम नसीब होगी अकुल को लिहाजाफर वाली واستغفره إنه الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم <applause> هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الدين النصيحة. يكدين الدين خير فاهي كنام.